आरोप है कि उनके भाई की हत्या मुख्तार अंसारी के इशारे पर। मुख्तार अंसारी के नाम का टेरर? टेरर? टेरर मुख्तार अंसारी के नाम से नहीं है, टेरर तो बनाया जा रहा है। बार बार योगी जी पे आरोप लगाते हैं जब भी जिक्र होता है, लोग कहते हैं कि बुलडोजर से परेशान है। मुख्तार अंसारी या परिवार का सर किसी मुख्यमंत्री के सामने कर दिया। सारे पुलिस वालों का ट्रांसफर 6 महीने तक नहीं होगा, और अखिलेश भैया से बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और 6 महीने यहाँ सबका हिसाब किताब। नाम, झूठ, प्रोपेगेंडा, दे हैव बरीड द नेम ऑफ द अंसारी। इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं कई सारी, मैंने देखी है, उसमें रिवॉल्वर भी होती है, उसमें राइफल भी होती है, उसमें शूटिंग राइफल भी होती है। उमर के पास कौन थी? तो जब आ रहा था ना तो बड़ा माहौल बना गया, भाई जो है तो कठिन उठिन सवाल मत पूछना, नहीं तो वापस आ नहीं पाओगे, तो चला जाऊंगा ना मैं। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट, और उस सीट का जब जिक्र होता है तो एक नाम जहन में आता है, एक नाम जो सालों से चर्चा में है, लोग उसे अपना रॉबिनहुड कहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, और बाहर के लोग या विरोधी पार्टी के लोग माफिया, बदमाश, तमाम तरीके के तमगे देते हैं। उनका इंटरव्यू हम कर नहीं सकते क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में, उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनका इंटरव्यू करना चाहते थे, उनका भी इंटरव्यू नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया उसकी बात भी बताएंगे। उनकी जगह पर हमको ये एक नौजवान मिले, उमर। आज से 4-5 साल पहले एक तस्वीर देखेंगे तो एक लड़का काउबॉय हैट पहने लंदन के किसी बागीचे में खड़ा है, और एकदम कूल डूड टाइप से, और उस लड़के की तस्वीर आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बदल गया। इतना बदलाव कैसे? ये पूरा लुक चेंज हो गया, और ये जो मूंछ है। देखिए तब स्टूडेंट लाइफ थी। अच्छा, आई वाज स्टडिंग इन लंदन, ग्रेजुएशन कर रहा था, अपनी पहले स्कूलिंग किया बोर्डिंग स्कूल से। हम दो ही भाई हैं अपने फादर के, दो बेटे, तो दोनों को फादर की हमेशा से ये नीयत थी कि इनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है। तो भैया स्टडीड इन जीडी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल, वो भी बोर्डिंग में रहे, और मैं पाथवेज वर्ल्ड स्कूल, वो भी अरावली गुड़गांव में ही, वो भी बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ था। उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया फर्दर स्टडीज़ के लिए। तब स्टूडेंट लाइफ थी, तब ज़्यादा मूछ का कोई वो नहीं था। उसके बाद फिर संघर्षों का दौर चालू हुआ आफ्टर माई। तो आपने वहाँ क्या पढ़ाई की? बी ऑनर्स, बिजनेस मैनेजमेंट। किस ईयर में? 2019 पास आउट था। 19 पास आउट, 16 में 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन। फिर वहाँ से लौटे? जी। तो वो लौटने के बाद उस वक्त लोकसभा इलेक्शंस चल रहे, लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, तो वो उमर अंसारी एकदम से बदल कैसे गया? देखिए लोकसभा इलेक्शंस तक इफ यू विल सी माय वीडियोस, क्योंकि अफजाल बाबा वाज कंटेस्टिंग द इलेक्शन, अफजाल बाबा लड़ रहे थे यहाँ मऊ की सीट से, बसपा के उस वक्त कैंडिडेट थे अतुल राय जी, बिल्कुल उनके प्रचार में भी, तो यू मस्ट हैव सीन माय वीडियोस। तो तब ये था कि ऑन एंड ऑफ चलती थी पॉलिटिक्स, मतलब मेन स्ट्रीम पर आकर नहीं था। भैया थे मेरे बड़े भाई, बट मैं चूंकि स्टूडेंट था, तो हुआ यूँ कि जब मैं वापस पढ़ाई कंप्लीट कर ली मैंने, और 2019 के बाद लोकसभा इलेक्शंस बीत गए, ग्रेजुएट हो गया मैं, मई में मेरा एग्ज़ाम था, इन आई थिंक अगस्त में मेरी वो आ गया था सर्टिफिकेट वगैरह, डिग्री वगैरह। उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमे लगा, सबसे पहले भैया पर मुकदमे लगाए गए। अच्छा, कैसे मुकदमे? लोकसभा इलेक्शन के बाद ये स्क्रूटनी हुई, क्योंकि हमारे भी लोग अंदर है जो सिस्टम में काम करते हैं, तो ये बात पता चली कि एक स्क्रूटनी हुई जिसमें मोदी जी और योगी जी बड़ा खफा थे, इस बात से खफा थे कि गाजीपुर के जस्ट बगल की सीट है बनारस, और मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बगल में अफजाल अंसारी जीत जाते हैं इतने बड़े चेहरे मनोज सिन्हा को हरा कर, इनके पास 3-3 मंत्रालय हैं, और अमित शाह जी उस वक्त के हेड थे, वो आकर उनका पर्चा भराते हैं बावजूद इसके, और उस सीट से जहाँ पर हम सिर्फ 9% हैं, हम यानी अखिलेश माइनॉरिटी, और ऐसे ही मऊ में भी बहुत ताकत झोंकी गई, और 13% माइनॉरिटी होने के बावजूद यहाँ से भी लोकसभा निकल जाती है। ये सीट गोरखपुर से सटी हुई थी,
सो स्क्रूटनी में ये डिसाइड हुआ कि भाई ये दोनों सीटें हम कैसे हार गए, तो जवाब मिला कि इसमें मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, मुख्तार अंसारी का असर है। तो फैसला ये लिया गया कि ठीक है फिर इनको क्रश करो और ख़त्म करो। उसके बाद से ही ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू की गई, जिसमें फर्स्ट केस मेरे भाई पर लगाया गया जो आर्म्स एक्ट का लगाया गया। माई ब्रदर इज़ अ नेशनल चैम्पियन, बिल्कुल शूटर, उस पर भी आएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन थे तो उनके पास आर्म्स लाइसेंस थे और 8 वेपन्स थे। वही आर्म्स लाइसेंस 2012 में लखनऊ से NOC लेकर हम दिल्ली ट्रांसफ़र किए थे मतलब भैया, और इस वजह से उनको वो बहाना मिल गया कि आपने बगैर NOC के आप दिल्ली ले गए, और फर्स्ट FIR उन्होंने लॉन्च किया 2019 में, आई थिंक इट वॉज 12th of October 2019 टू बी एग्जैक्ट, और वो फर्स्ट FIR थी। उसके बाद मैं पूरी तरह से केस की पैरवी में लग गया, और 12th को FIR हुई और 19th अक्टूबर को ही लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें साफ साफ ये लिख दिया गया कि पेटिशनर शैल नॉट बी अरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड कि वंस यू हैव गिवन द नो ऑब्जेक्शन देन डू यू हैव द ज्यूरिडिक्शन फॉर द FIR। तो उनका था नहीं ज्यूरिडिक्शन, तो वो आज तक इस पर जवाब नहीं दे पाए और हम आज तक बेल पर हैं, स्टे पर हैं उस केस में। तो फिर केसेस लगते गए झूठे और लगते गए, सिविल केसेस लगे ज़मीनों के ऊपर क्योंकि इलीगल तरीके से हमारे घर को जो हमारी दादी ने बनवाया था डालीबाग में लखनऊ में वो उसको ढा दिया, तो अब उसके लिए बहाना चाहिए था कि क्या करें, तो उस पर एक FIR कर दिया। जब उस पर एक FIR कर दिया गया तो मेरे फादर मेरे भाई और मुझे तीनों को अक्यूज़ किया गया। फिर ऐसे ही गाज़ीपुर में गज़ल होटल है वो मेरी मदर पे और मुझ पे और भैया पर कर दिया गया। तो इस तरीके से मुकदमों का सिलसिला शुरू होता गया, 2019 से शुरू हुआ और आज सुबह तक लगा है। आज सुबह कौन सा मुकदमा लगा? आज सुबह जो मुकदमा लगा है वो तो आपको पता ही है, वही बात है कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, और हमने तो किया भी नहीं। वो तो बात देखिए आप कितनी विडम्बना है इसमें। एक स्पीच को वायरल किया जा रहा है BJP का IT सेल द्वारा। क्या वो स्पीच ये है कि सारे पुलिस वालों का ट्रांसफ़र 6 महीने तक नहीं होगा, और अखिलेश भैया से बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और 6 महीने यहाँ सबका हिसाब किताब होगा? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि उसको टेम्पर्ड करके चलाया गया है। वो असल चीज़ ये है, आगे पीछे की काट के जैसे कि किया ठीक है वो तो आगे उन्होंने बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे। पूरी बात उसमें ये है कि हमने ये कहा है कि 6 महीने तक, क्योंकि जब पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो किसी और ज़िले में चले जाएंगे, तो उसकी जांच उसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी सही से। हमारी नीयत ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल इलीगल तौर पर लोगों के घर ढाए गए हैं, लोगों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया गया, पेट पे लात मारी गई, यहाँ तक कि घूस ली गई है, और ये कोई हज़ारों में नहीं लाखों में पुलिस वालों ने अपने घर बनवा दिए। मैं नाम नहीं लूँगा अभी, बट मैं जाँच करवाऊँगा उनकी। और पुलिस वालों ने घर बनवा लिए, गाड़ियां खरीद ली घूस ले लेकर, सिर्फ इस नाम पर कि आप मुख्तार अंसारी के साथी हैं, हम आपका नाम डलवा देंगे गैंगस्टर एक्ट में, वो फला मुकदमे में पैसा दो मुझे, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए तक मऊ के लोगों ने दिया। मऊ ही नहीं, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये जुल्म ढाया गया। और इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से कहा है कि जब सरकार बन जाए तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोककर पहले जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद जो दोषी पाया जाए उससे हिसाब किताब लिया जाए, यानी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये पूरी वीडियो में है, बट उसको वही है कि अब हार रहे हैं तो कुछ है तो नहीं करने के लिए। बौखलाहट का आलम यह है कि मुख्यमंत्री आके गए थे और आज अखिलेश भैया आदरणीय आके गए थे। आदरणीय अखिलेश भैया की जो जनसैलाब उमड़ा, 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे, उसकी 1/4 भी योगी जी के रैली में नहीं थी। तो वो बौखलाहट है, उनको पता है कि मऊ के पूरे ज़िले के अंदर 4 सीट और ख़ास तौर पे मऊ सदर सीट पे उनकी ज़मानत जब्त होने वाली है। तो अब कुछ तो प्रोपेगेंडा बनाने ही है, 5 साल हमारे फेस पर, हमारे नाम पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, विकास तो कुछ किया नहीं है, विनाश किया। हेलीकॉप्टर में से देखा है ना कैसे दिखाते हैं बुलडोजर, तो बुलडोजर दिखाते हैं। आपने वीडियो वायरल नहीं देखी, सिर्फ हमारी देखिएगा, योगी जी देखिए वो भी देखिए। आपको नहीं लगता कि उस बयान को इस तरीके से कहा गया जिसका मैसेज गलत गया? नहीं, उस बयान को पूरा अगर आप सुनेंगे तो वो सही ढंग से कहा गया, उसको टेम्पर्ड करके
बनाया वो जा रहा है जिसकी मैसेज दूसरा जाए, गलत जाए। और इसमें क्या गलत है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, हम लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो कानून के मुताबिक है वो जायज़ है। कहाँ कानून में इजाज़त है कि आप किसी के रिहायशी मकान को गिरा दीजिए बगैर नोटिस के? वैसे तो मेरा मामला सब जुडिश है, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा अभी फिलहाल, लेकिन आपके सामने वो साफ होके बात आएगी और जल्द आएगी। अच्छा। जी, हम लोग पैरवी कर रहे हैं उस केस की और जल्द आएगी, और जो भी इसमें साजिश में शामिल थे अधिकारी उन सबके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगी, आप खुद देखेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो भी चलाइए। जब कोर्ट कार्रवाई करेगी तो अब्बास अंसारी क्यों उनको यहाँ रोकना चाहते हैं कि 6 महीना रुको? आप ये बताइए, यहाँ के जो अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ के लोगों से जुल्म किया, पैसा लिया, घूस मांगी, वो किसी और जनपद में जाएंगे, उससे पहले उनके ऊपर यहाँ जाँच कराई जाए, उनको ये बताया और समझाया जाए कि भाई आपने ये गलत किया, एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द कंट्री, ये आप गलत कर रहे हो। अगर हमारी सत्ता सरकार थी, हमने तो कभी ये नहीं किया। आप मीडिया के भाई कहते हैं कि मुख्तार अंसारी सत्ता और ताकत के बल पर जीत जाते थे, बल्कि टोटली गलत है। हम 25 साल से MLA रहे और 25 साल हमने मुखालिफ हवाओं में जीत हासिल की है, और 25 साल का मऊ का ये भी रिकॉर्ड है कि कोई एक चेयरमैन, कोई प्रधान भी नहीं होगा जो अपने नामौजूदगी में यहाँ से दोबारा जीत जाए, तिबारा जीत जाए। वो तो 4 बार जेल से रह के जीते और 5 बार लगातार जीते, और ये 6ठी बार भी जनता जमानत जब्त कराने जा रही है। 6ठी बार तो मुख्तार अंसारी मैदान में नहीं है, अब्बास अंसारी मैदान में है, और अब्बास अंसारी पर उसी बयान के लिए चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए आज हमसे उमर से बात हो रही है। जी, उमर ने हमको बताया कि 24 घंटे की जी, कल शाम 7 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे और कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनसे आपकी बात हुई। बिल्कुल, और अच्छे तालुकात समझ में आते हैं जी, तो हमको यहाँ छड़ी का निशान क्यों दिखता है, यहाँ साइकिल का निशान क्यों? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं, ये सवाल आपको BJP वालों से करना चाहिए था। अच्छा, क्या BJP डर गई थी क्या पिछली बार कमल देने में? उनको पता था कि मुख्तार अंसारी हरा देंगे। पिछली बार यहाँ पर कमल के सपोर्ट से छड़ी चुनाव चिन्ह था, और आदरणीय महेंद्र राजभर जी इलेक्शन लड़े थे जी, और मेरे फादर उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और वो लगभग 88,000 शायद, हाँ 88,000 के करीब वो वोट पाए थे। सपा उनसे नीचे थी, ऑलमोस्ट 70-72,000 वोट पाई थी। तो जाहिर बात है कि गठबंधन का भी एक धर्म होता है, गठबंधन धर्म के मुताबिक जो ज़्यादा वोट शेयर जिसका रहा हो सीट उसको जाती है, और मुख्तार अंसारी यहाँ से चुनाव जीते थे, सीट उनके खाते में आनी थी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि वो सीट देंगे। तो इस वजह से छड़ी की सीट लेकर हम यहाँ चुनावी मैदान में, और बाप और बेटे में क्या फ़र्क है, मुख्तार अंसारी साहब लड़े या अब्बास अंसारी साहब लड़े, मऊ की जनता के लिए कोई फ़र्क नहीं है। उमर एकदम नेता की तरह बात करते हैं, और क्या मतलब धारा प्रवाह आप बोलते हैं। धन्यवाद। ये जब 20 साल का एक लड़का BA ऑनर्स कर लेता है लंदन से, तो वो किसी और चीज़ में ना जा कर के राजनीति में आता है, और राजनीति में आगे आप बढ़ना चाहते हैं, ये इतना तो बातचीत से समझ में आ गया। आप भी शूटिंग के शौकीन हैं? जी, आई वॉज ऑन द 5th rank इन इंडिया। मैं 2 इवेंट्स में शूटिंग करता हूँ, एक 300 meters बिग बोर्ड, उसमें मेरी 5th rank रही है ऑल ओवर इंडिया, और एक मैं करता हूँ 50 meters 0.22 प्रॉन, उसमें भी मेरी रैंकिंग रही है। हाँ, इंटरनेशनल मैं नहीं खेल पाया क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली पढ़ाई और शूटिंग दोनों। भैया आपके इंटरनेशनल खेले? हाँ, क्योंकि भैया को बहुत ज़्यादा लगाव था स्पोर्ट्स से, तो उन्होंने पढ़ाई पर मतलब कॉलेज लाइफ पर कम ध्यान देकर शूटिंग पर ज़्यादा दिया। मेरा दोनों इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था हमेशा से, आई वॉन्टेड टू डू PhD एंड आई स्टिल वॉन्ट, तो वो तो मैं कर ही लूँगा बयान, लेकिन मेरा ये सोचती कि मैं शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए करूँ एज अ हॉबी, और पढ़ाई भी साथ साथ करता रहूँ, तो उतना टाइम मैं प्रैक्टिस में नहीं दे पाता था। तो ये आपकी हॉबी जो थी वो लंदन के दोस्तों को भी पता थी क्या? हाँ, क्योंकि इसलिए ये सवाल है कि जब मैं एक केक देखता हूँ उमर अंसारी के बर्थडे का, उस बर्थडे पे बंदूक बनवा के रखी, और जाहिर सी बात है आपके दोस्तों ने वो केक बनाया। जी जी, बिल्कुल, मेरे दोस्त तो कौन कौन सी बंदूकों का शौक? यहाँ कुछ दोस्त मेरे मौजूद भी हैं। हाँ,
और ये वो कहाँ केक कटा था, किस्सा उसका बताइए। लखनऊ की बात है। अच्छा लखनऊ में था। लखनऊ की बात। अच्छा मेरी बर्थडे आई थिंक 5 साल हो गया है इस बात को, 2017 या 18 का वक्त, 16-17 नियर अबाउट। तो जब हाँ तो गन के तो हम शौकीन थे, क्योंकि देखिए अगर हमारी आप फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, जो कि आपको ऑफकोर्स पता होगी क्योंकि लल्लन टॉप से मेरे परिवार के बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, तो आपको पता है। आपके बाबा अफजाल अंसारी का इंटरव्यू कुछ दिन पहले हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने लिया था, उसका भी वीडियो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल बताइए। तो मेरे पराना ब्रिगेडियर उस्मान थे, बिल्कुल, जो पहली हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जंग हुई तो कश्मीर की हिफाजत के लिए जब पहली सेना भारत से भेजी गई वहाँ पर, तो उसकी 52 पैरा ब्रिगेड के ब्रिगेडियर की हैसियत से, उस सेना के अध्यक्ष होने की हैसियत से ब्रिगेडियर उस्मान को सफदरजंग एयरपोर्ट से वो उड़े और गए, और उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ ये कसम खाई कि जब तक नौशेरा को और झांगर घाटी को वापस हिंदुस्तान को कब्जा नहीं दिला देते, तब तक आपके साथ मैं ब्रिगेडियर होने के बावजूद भी ज़मीन पर सोऊंगा। और जंग हुई, नौशेरा के ऊपर तिरंगा लहराया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद झांगर घाटी का भी कब्ज़ा वापस हिंदुस्तान को दिलाया गया। उसी जंग में 3 जुलाई 1948 को मेरे परनाना ब्रिगेडियर उस्मान, जो प्रथम महावीर चक्र विजेता थे, ये भी एक खासियत, नौशेरा का शेर जिसको मोदी जी भी नहीं भूल पाते हैं। अभी गए थे दिवाली पर, नौशेरा ही गए थे और नाम लेकर आए और नमन किया। तो हम उस ख़ानदान से हैं, उनका खून हमारी रगों में। तो असलहों का शौक़ तो हमेशा से था, जमींदारों का परिवार था, और लाइसेंसी असलाह रखना इस देश में कौन सा बड़ा। आप इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, कई सारी मैंने देखी हैं। उसमें रिवॉल्वर भी होती है, उसमें राइफल भी होती है, उसमें शूटिंग राइफल भी होती है। जी। उमर के पास कौन कौन सी बंदूक है? नहीं, मेरे पास कोई बंदूक नहीं। मैं जब शूटिंग करता था तो मैं रेंट पर लेकर शूटिंग करता था। अच्छा। उस वक्त तक मेरा लाइसेंस नहीं बना था। अब बन गया है? हाँ, अब लाइसेंस बन गया है, बट उसको भी गवर्नमेंट ने सीज करा दिया, आई मीन कैंसिल करा दिया। क्यों? क्योंकि मैं मुख्तार अंसारी का बेटा हूँ, शायद इसलिए। मैं उससे बहुत बड़ा अपराध कर सकता हूँ। उमर, आपकी उम्र अभी 23 साल है। जी 23 साल। 23+, I'll turn 24 in September, 23rd September। 24 साल आप हो जाए। जी। आप लंदन में रहे, आप और तमाम जगहों पे पढ़ाई किए। आप अपने साथ जब बड़े हो, छोटे से बड़े होते होते आप एक बैगेज लेकर बड़े हुए। ट्रू। मुख्तार अंसारी का बेटा। वेरी ट्रू एंड वेरी प्राउड ऑफ इट, नॉट अशेम्ड ऑफ इट, वेरी प्राउड ऑफ इट। तो जब आप लंदन में थे या फिर आपके बाकी जगहों पे क्लास दोस्त थे, तो बात होती थी कि अरे ये तो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, मतलब कुछ ऐसा डरते थे क्या? हैं? नहीं नहीं, डरते नहीं थे, बल्कि एक इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सुना दीजिए। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जब मैं लंदन में गया तो मैं सोच रहा था कि कोई फ्लैट रेंट करूँ सारे दोस्त मिलकर। अच्छा। तो जल्दी देते नहीं हैं, स्पेशली बॉयज़ को, क्योंकि वो सामान को नुकसान पहुँचा देते हैं, प्लस उनके सोसाइटी में भी फिर अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि देर आ रहे हैं, देर से जा रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई बवाल कर रहे हैं, तेज़ म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, ये सब। और लंदन में ख़ासा तौर पर ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि लंदन इज़ अ हब, हर तरह के लोग हर देश से आकर वहाँ पर बसे हुए हैं। तो जब मैं टेनेंट की हैसियत से एक घर को हम लोगों ने, दोस्तों ने पसंद किया, तो ये हुआ कि भाई किसके नाम लिया जाए, तो ये डिसाइड हुआ दोस्तों से कि आप अपने नाम लीजिए। तो उस टेनेंट, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं टेनेंट की हैसियत से घर इसलिए दूंगा क्योंकि आप मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। ही वॉज अ इंग्लिशमैन। तो मैंने पूछा कि ये बात हमारी उनके अंग्रेज़ी में हुई, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लोग तो घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर का नाम वगैरह गूगल किया था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इसका कोई नेगेटिव पॉइंट है तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि यू आर रिच, यू विल नॉट डिस्ट्रॉय माई प्रॉपर्टी, आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मेरी प्रॉपर्टी को। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और मुख्तार अंसारी साहब का सिर्फ बुरा पहलू दिखाया जाता है, ख़ास तौर पे आपको नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं कह रहा हूँ, माफिया, गुंडा, अपराधी, खूंखार, बस नहीं चलता कि राक्षस कह दें, डेमोन कह दें, मतलब क्या कुछ बस नहीं चलता कह दें। लेकिन वो भी एक साधारण आदमी है, and he was a very good cricketer, very very good cricketer. If you, हाँ हाँ, if you go to गाजीपुर जो उनके साथ खेले, he played a रणजी ट्रॉफी। और लोग ये भी कहते हैं, मैं तो बहरहाल पैदा भी नहीं हुआ था,
अपनी जवानी में लोगों ने कहते थे कि अगर वो अपनी लाइन को पॉलिटिक्स छोड़कर पकड़े रहते तो आज वो शायद इंडिया टीम में होते। तो इस वजह से ऐसा नहीं है, हमारी पूरी फैमिली को गलत तरह से इमेज को पोर्ट्रे किया जाता है और ख़राब, खुसूसन तौर पे ख़राब दिखाया जाता है और असली सच्चाई लोगों को पता ही नहीं, ये सच्चाई। और जो मुकदमे, देखिए मुकदमे आज़म खान साहब पे क्या थे, नेता थे, चलिए हम तो बदनाम ज़माना हैं, मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े गुंडे अपराधी सारी मीडिया कहती है, क्या थे आज़म खान साहब, 9 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, आई थिंक 3 या 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, एक बड़ी शख्सियत उत्तर प्रदेश में, आज भी मंच पर अखिलेश जी आए थे, पीछे पोस्टर पे आज़म खान साहब की तस्वीर थी, एक दिन में 100 से ज़्यादा मुकदमे, और ऐसे ही है हमारे ऊपर, मेरी वालदा के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर जो केस लगाया वो 500 रुपये के बोर्ड चोरी का मुकदमा है, 500 रुपये के बोर्ड चोरी का मुकदमा है, और उस पर जुर्माना होना चाहिए जिसपे यूपी की एसटीएफ ढूंढ रही है पकड़ने के लिए, खोज रही है, वो तो बात अलग है कि हमें स्टे मिल गया कोर्ट से, सारे केसेस में स्टे मिला, मेरी मदर पे मोर देन 12 FIRs हैं, मेरे ब्रदर के ऊपर 8 या 9, आज वाली भी जोड़ दूंगा तो 8 या 9 हो जाएंगी, और मेरे ऊपर 3 FIR है, सब पे हम स्टे पर हैं क्योंकि सब झूठे थे, सारे मुकदमों में हमें बेल मिली, किसी में एंटीसिपेटरी बेल, किसी में स्टे, आपको क्या लग रहा है कि हम गलत होते और योगी जी हमें यहाँ बैठ के आपसे इंटरव्यू करने देते, जेल की चक्की पीस रहे होते साहब। मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम है और ये इतना बड़ा नाम हो गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे 5 साल और पूरे 8 साल इसी नाम को भजाने में रह गए, और जनता सब समझती है, यहाँ के आप आवाम से मिलिए, मैं तो कह रहा हूँ मऊ में आपका स्वागत है, पूर्वांचल में आपका स्वागत है, मिलिए मुख्तार अंसारी के बारे में, जानिए लोगों से, पूछिए खास तौर पे गरीब लोगों से, चट्टी चौराहे पे खड़े गुंडों से मत पूछिए, लेकिन गरीब आवाम जो टूटी हुई चप्पल से जा रहा हो, जो बिल्कुल फटी हुई धोती रखा हो, जो सड़क पे जूता पॉलिश कर रहा हो, जो पीठ पे बोरा ढोके जा रहा हो, जो ठेला खींच रहा हो, जो रिक्शा चला रहा हो, किसी से पूरे मऊ, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश पे पूछिएगा तो एक स्वर से बुलंद आवाज में कहेगा कि मुख्तार अंसारी मसीहा है, क्योंकि हमने हमेशा कमजोरों की लड़ाई लड़ी, जो कमजोरों को दबाते हैं, कुचलते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, हम उनका सहारा बनते हैं। तो आप सहारा बनने की बात करते हैं, आपके पिता पिछले करीब 17 सालों से जेल में, यस ऑलमोस्ट, और आपके 17 क्रॉस हो चुका है, 18वां लग गया, 17 साल। अब्बा उमर ने एक बार किसी मंच से शायद कहा कि मुझे मेरे पिता की गोद नसीब है। बिल्कुल सही है, मेरी 23 बरस की उम्र है, 23 बरस की उम्र में मैं 22 साल 22 ईयर्स अपने फादर से दूर रहा, 17 साल से तो आप ही ने बता दिया कि वो लगातार जेल में है, 25th ऑफ अक्टूबर 2005 जब उनको एक फर्जी दंगे के मुकदमे में फंसाकर भेजा गया जिसमें वो बाद में रिहा भी हो गए, तब से लेकर झूठे मुकदमे लगते चले गए टिल डेट, आज तक एक मुकदमे में भी, 17 साल का वक्फा बीत गया, आज तक एक मुकदमे में 1 घंटे को भी कभी सजा नहीं हुई। अगर मुख्तार अंसारी इतने बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े गुंडे हैं, इतने बड़े डॉन हैं और बिल्कुल खूंखार हैं, तो मोदी जी और योगी जी की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं गवाही कराई, क्यों नहीं केसेस में कन्विक्शन कराया, आखिर ये साबित करता है कि हम बेगुनाह हैं, और हम लोग फेस करने वाले हैं मुकदमों को, हम लोग मुकदमों के ट्रायल को फेस करते हैं, 17 साल ऐसे ही नहीं जेल में हैं, हम उनमें से नहीं हैं, हमारी भी सत्ता और सरकार रही, हमने ना कभी अपने मुकदमे वापस कराए, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने, मुकदमे वापस करवाए से क्या तात्पर्य, मुकदमे वापस कराए से मुराद है कि इस प्रदेश के मुखिया योगी जी ने अपने मुकदमे अपनी कलम से उठा लिए, अफजाल बाबा ने बताया था लल्लन टॉप पे, अपने मंत्रिपरिषद के मुकदमे उठा लिए, अपने स्वजाति के गुंडों के मुकदमे उठा लिए, क्या वजह है, इस देश का सबसे बड़ा अपराधी और डॉन दाऊद इब्राहिम है, अंडरवर्ल्ड डॉन है ना, दाऊद इब्राहिम के फाइली, दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं बृजेश सिंह और सुभाष ठाकुर, बृजेश सिंह 7 साल से बनारस की जेल में आराम फरमा रहे हैं, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है देश के प्रधानमंत्री की, किसी की हैसियत नहीं नजर उठा के देख ले, महीनों महीनों BHU के ऐसी कमरों में आराम फरमाते हैं, आप कैमरा नहीं लगा सकते हैं जेल गेट के बाहर, हाथ पकड़ लिया जाएगा, घट्टा तोड़ दिया जाएगा आपका, ये गुंडे ही है वहाँ, तो कोई नहीं देखता है,
और ये भी मैं आपको बता दूं कि तीनों टाइम घर से खाना जाता है। एक लौते वो ऐसे हैं व्यक्ति जो जेल में हैं और तीनों टाइम घर से उनका खाना जाता है। और जघन्य अपराधों में एक दो मुकदमे नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में मुकदमे हैं। जघन्य अपराधों में नरसंहार किया था, साथ साथ लोगों को मार दिया एक ही परिवार के, उसके बावजूद उनको, चूंकि वो उनकी गोद में बैठे हैं, उनके भतीजे सुशील सिंह भाजपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं चंदौली से, उनके सहयोगी दल जेडीयू से धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कितने मुकदमे आप देखिए, मैं सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है मेरे पास, मैं अभी अपने इंटरव्यू के बाद आपको क्रिमिनल हिस्ट्री देता हूँ, आप देखिए क्या मुकदमे। और मैं तो दावे से कह रहा हूँ लिस्ट जारी करे सरकार, कौन बड़ा माफिया है पता चल जाएगा, 22 मुकदमे वाला बड़ा माफिया है कि 106 मुकदमे वाला बड़ा माफिया है। सरकार लिस्ट जारी कर दे, क्यों नहीं जारी कर रही है? नाम, झूठ, प्रोपोगंडा, दे हैव बरीड द नेम ऑफ द अंसारी इज इन द फेक डस्ट ऑफ लाइज एंड मिसकंसेप्शंस। झूठा प्रचार, गुंडे, माफिया, अपराधी, कभी नहीं बताया जाएगा 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कभी नहीं बताया जाएगा प्रथम महावीर चक्र विजेता हमारे घर का, कभी नहीं बताया जाएगा नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे मेरे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, कभी नहीं बताया जाएगा शौकतुल्लाह अंसारी क्या थे, कभी नहीं बताया जाएगा आसिफ अंसारी क्या थे, कभी नहीं बताया जाएगा कि हामिद अंसारी क्या थे। सिर्फ जो बुरा है वो दिखाओ, और झूठ और प्रोपोगंडा, ताकि जो ना जानता हो वो मीडिया और न्यूज़ और अखबार के माध्यम से सिर्फ यही जाने कि ये बहुत ख़राब लोग हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको और आपकी टीम को कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और सच्चाई मैं कह रहा हूँ। हम तो सारी बातें, हर किसी का पक्ष जानना हमारा काम है। आपने ब्रजेश सिंह का जिक्र किया जी, 8 अक्टूबर 2021 की तारीख उस नाम से याद आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, क्या हुआ था? 8 अक्टूबर 2021, अच्छा आई गॉट इट। मैं गया था वहाँ पर, मेरे फादर के ऊपर 2001 में अटैक हुआ था, आई थिंक 1 या 2 में, क्योंकि मैं तो 4-5 साल का था उस वक्त, तो आई थिंक 1 में अटैक हुआ था, यानी दे एम्बुश्ड, दे ट्राइड टू किल माय फादर, बाकायदा इंटेंशन से गोली चलाई गई थी कि मुख्तार अंसारी को मार देना है आज। मेरे फादर, मेरा घर मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में था, मेरे फादर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मऊ यहाँ आ रहे थे, अगर अभी तो वक्त नहीं है लेकिन अगर दिन दोपहर होते तो मैं आपको लेकर चलता उस उसरी चट्टी पर जहाँ पर गोली चली, जहाँ पर वो ट्रक खड़ी थी जिसके अंदर से छुपे बदमाश जब गाड़ियाँ बिल्कुल सट गई तो उसका डाला खोल कर ब्रजेश सिंह और इन लोगों ने AK-47 से फायरिंग कर दिया, जिसमें 9 लोग, गौर से सुन लीजिए साहब, 506 का नहीं है मुकदमा, 9 लोग इंजर्ड गवाह, 3 लोग मर गए। और आज भी इंजर्ड गवाह को मैं लेकर गया था जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं, उस तारीख पर मैं उस मुकदमे में वादी मुकदमे के पैरवकार की हैसियत से गया था, वादी मुकदमे मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब। ये आरोप ये लगा कि ब्रजेश सिंह की पेशी थी और उमर जो है नए खून के साथ दलबल लेकर के काफिले के साथ हाईकोर्ट पहुंच गए और आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी एक गाड़ी से, अच्छा, 4 लोग और एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 5 लोग गए थे, कोर्ट में जा रहे थे। और मैं ऐसा नहीं कि उसी तारीख पर गया था, आप उससे पहले के रिकॉर्ड दिखाएंगे तो मेरी साइन की हुई एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, उसके बाद के भी दिखाएंगे तो मैं उसके बाद भी गया हूँ। और ब्रजेश सिंह जी इतना डरते हैं, डर के आए ही नहीं उस दिन, किसको मारने गया था? ब्रजेश सिंह जी को, उनको नुकसान पहुँचाने, तो ब्रजेश सिंह जी तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। मैं अपने इंजर्ड विटनेस रमेश ड्राइवर को लेकर गया था जो उस समय मुख्तार अंसारी साहब की गाड़ी चला रहे थे तत्समय जब गोली चली थी, पुराने उसी मुकदमे को, वो इंजर्ड गवाह है, उन्हें गोली लगी है, वो घबरा रहे थे। आप यकीन नहीं मानिएगा, पुलिस के लोग जाकर धमकाते हैं, सुशील सिंह अपनी गाड़ी भेज कर धमकवाए रमेश को, रमेश भाई ने मुझसे खुद बताया और ये बात कोर्ट में भी उन्होंने बताई कि मुझे आकर सुशील सिंह बात कराते हैं फ़ोन पर कि ब्रजेश चाचा से बात कर लीजिए, आप टूट जाइए, पैसा ले लीजिए 50 लाख, गाड़ी खरीद लीजिए, ज़मीन कहीं चाहिए हो तो दिला दें, लेकिन गवाही मत देना वरना मार डालेंगे पूरे ख़ानदान को। और रमेश जी ने ये सारी बातें लिख कर दी हैं कोर्ट में। मैं उनको लेकर गया था गवाही कराने, 4 बार गया लेकर, 4ों बार ब्रजेश सिंह जी नहीं आए, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लाइन कनेक्ट होती है, ना फिजिकली मौजूद होते हैं। 5वीं बार में कोर्ट आजिज आकर
सख्त आदेश कर दिया सुपरिटेंडेंट को कि या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आज गवाही होगी या तो ब्रजेश सिंह को फिजिकली रूप से मुहैया कराया जाए। और फिर भी ये देखिए शासन प्रशासन के क्या मतलब मैं कहूँ कि सरकार इतना मन बढ़ गया है कि न्यायपालिका का अपमान कर रही है। न्यायपालिका ऑर्डर कर रही कि लेकर आओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही होगी, उसके बावजूद लाइन नहीं कनेक्ट की जा रही है, उसके बावजूद उनको लेकर नहीं आ जा रहा, बता दिया जा रहा वो बीमार है। और मैं उसी मुकदमे में गया था, 5 लोग, और मुझे पहले कहा गया बहुत पोलाइटली कि आप कोर्ट में मत खड़े होइए। कोर्ट के जज सामने मैं खड़ा था अपने वकील और गवाह को लेकर, वहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 300-400 की संख्या में पुलिस बल मौजूद था, बहुत फोर्स लगी थी। और तलाशी हुई मेरी बकायदा गेट पे ही बाहर, मेन गेट के परिसर के गेट के बाहर तलाशी हुई, कुछ भी मौजूद नहीं। उसकी वीडियोग्राफी भी चूँकि सीसीटीवी फुटेजेस थी और उनके पास जो कैमरे थे उनसे तलाशी के बाद जब मैं अंदर गया तो मुझसे कहा गया आपकी जान को यहाँ खतरा है, आप और वो दोनों पक्ष सामने आएगा तो कोई विवाद ना हो जाए, इसलिए आप बाहर चले जाइए। ठीक है, मुझसे ये बात कही क्राइम ब्रांच के सीओ साहब ने। मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ 4 लोग हैं, मैं इन 4ों को भी बाहर कर दे रहा हूँ, एक मैं और एक मेरे विटनेस, 2 लोग हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं बेंच पे, आप कहिए तो मैं उतनी दूर बैठ जाता हूँ जाके अकेला, मुझे कोई खौफ नहीं है, हम लोग तब डरने वाले नहीं। तब भी उन्होंने एतराज़ किया, कहा नहीं आप ही को सबसे ज़्यादा खतरा, आप एकदम मत रहिए। तो मैंने कहा अच्छा साहब ठीक है, मैं बाहर चला गया। मैं बाहर गया तो वहाँ से भारी पुलिस बल ने आकर अरेस्ट नहीं किया, वहाँ मुझसे कहा गया कि यहाँ भी आपको खतरा है, आप अपनी गाड़ी में बैठकर हमारे साथ पुलिस लाइन आइए, उच्च अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने अपने घर के बड़ों को वहाँ से फ़ोन किया और फ़ोन करते के दौरान ही मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया गया। तो मैंने सीओ साहब से पूछा कि मेरी सुरक्षा को खतरा मेरे फ़ोन से तो नहीं है, मेरा फ़ोन मुझसे क्यों लिया जा रहा। तभी मुझे शक हुआ कि इनकी नीयत में कोई ख़राबी है। बहरहाल पुलिस लाइन ले गए, मेरी सुरक्षा को खतरा, मेरी ही तलाशी, मेरे बैग की तलाशी, मेरे कपड़े की तलाशी, मेरी गाड़ी की तलाशी, स्निफिंग डॉग्स, मेटल डिटेक्टर्स, जैसे कि मैं पता नहीं वहाँ कौन सा बम बारूद लेकर गया था, सब कुछ खंगाल डाला तो सुई की नोक भी नहीं मिली। अब क्या करें, तो अब कुछ तो करना है, 10 घंटा उसको बैठा चुके हैं, बवाल होगा, मीडिया घेर चुकी थी वहाँ, मुख्तार अंसारी एक नाम है और मीडिया के लिए तो ख़ास तौर पे भाई उनको भी TRP चाहिए, वो बाहर घेर चुके थे कि देखे मैं उमर अंसारी के पास से क्या मिलेगा। जब कुछ नहीं मिला तो 107-16 में एक FIR कर दी गई कि ये यहाँ पर शांति भंग करने आए। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी पर पहला मुकदमा, थर्ड एंड लास्ट था वो, बाकी 2 मुकदमे क्या है उससे पहले लगाए गए, वो भी सिविल है, वो भी सब जुडिश है, मैं कमेंट नहीं करूँगा। पर आप देखिए जिस ग्राउंड पे मुझे स्टे मिला है, मैं आपको वो कहिए तो बता दूँ, मुझे स्टे मिला है 1961 या 58 कुछ इस तरह का सन है, जिसको तहरीर में लिखा गया है कि तत्समय यानी उस समय मुख्तार अंसारी और उनके दोनों बेटे यानी अब्बास और उमर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो ज़मीन अपने नाम लिखवा लिया। और बल्कि मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ है 1963 और भैया की 92 और मेरी 98। तो कोर्ट ने हमें स्टे दिया इस बार इसलिए कि जब ये पैदा ही नहीं हुए थे तो ये अपराध कैसे कर देंगे। तो आपको शायद अजूबा ना लगे ये, लेकिन मुझे तो नहीं, मैंने वो बयान पढ़ा था कि भाई वो आया मतलब पैदा होने से पहले भी अपराध कर सकते हैं, तो मुख्तार अंसारी हैं या उनके बच्चे हैं तो हो सकता है ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी के नाम का टेरर है, मीडिया बनाना चाहती है। मैं तो कह रहा हूँ गरीब आवाम से पूछिए, एक वीडियो और मैंने पोस्ट किया उसको भी देखिए वो क्यों नहीं वायरल हो रही। एक चाचा मिले मुझसे, रतनपुरा ब्लॉक है हमारा, चौहान समाज के थे, जारों कतार आंसुओं से रो रहे थे मेरे पिता का हाल पूछकर। इतना ही पूछा उन्होंने कि बाबू कैसन हा, मतलब वो अपने मुख्तार अंसारी को पूछ रहे थे कि वो कैसा है, वो उनसे उम्र में बड़े थे। हाँ ऑफकोर्स ही वॉज 80-85, बहुत बूढ़े थे एंड ही वॉज क्राइंग, और उनके साथ के जस्ट बगल में जो बैठे थे वो भी रो रहे थे, वो वीडियो भी है। इस तरह के सैकड़ों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे, मस्जिदों में दुआएं होती हैं, मंदिरों में प्रार्थना होती है। जिस दिन ये लोग ला रहे थे मुख्तार अंसारी साहब को, उस दिन लोग फाके पर रहे, खाना नहीं बना घरों में, गरीब जनता परेशान थी,
कि क्या होगा हमारे मसीहा के साथ। एक टेरर का माहौल बनाया गया। टेरर टेरर मुख्तार अंसारी के नाम से नहीं है, टेरर तो बनाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को दबा दिया जाए, झुका दिया जाए, मिटा दिया जाए। मुझ पर 3 मुकदमे, मेरे भाई पर 8 या 9 मुकदमे, मेरी माँ पर 12 से ज़्यादा मुकदमे, मेरे फादर के ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं। सब के सब झूठे, सारे के सारे झूठे। मेरे घरों को ढा दिया, मेरे कारोबारों को बंद कर दिया, बैंकों को सीज कर दिया, ज़मीन जो बाप दादा पूर्वजों ने दिया था, कोई खरीदी नहीं है हमने, खेत खलियान बगीचे उनको भी सीज कर लो, बोर्ड गड़वा दो कि ये सरकार का है। ये सब सिर्फ इसलिए कि मुख्तार अंसारी को झुका दो, दबा दो। लेकिन मुख्तार अंसारी का सर, उसके ख़ानदान का, उसके वंशजों का सर, उसके डिसेंडेंट्स का सर सिर्फ अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने झुकता है। मुख्तार अंसारी या परिवार का सर किसी मुख्यमंत्री के सामने कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। तो उमर अंसारी ऑन कैमरा ललन टॉप पे आ कह रहे हैं कि किसी को मुख्तार अंसारी से डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुख्तार अंसारी साहब से पर्सनली मिल लेगा एक दफ़ा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, मीडिया पर्सनल हो, लिटरेचर की फील्ड से हो, एनीबॉडी जो मिल लेगा वो उनसे मुतासर हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, ही इज एनर्जी हिमसेल्फ। 17 साल से जेल की सलाखों में रहने के बाद भी बाल धाड़ी पक गए, शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, उसके बावजूद भी वो आदमी कभी झुका नहीं, कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। और हम उनके बेटे हैं, हम भी कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करें। जेल में रहकर वो 5 बार चुनाव जीते मऊ सदर विधानसभा से। आज मैं आपके विधानसभा में गया था, विधानसभा के बहुत से लोग मिले अंसारी बिरादरी के जो बुनकर हैं, और वो खासे नाराज थे। उनकी नाराजगी इस बात से है कि हमारे विधायक जीते और विधायक जी जेल में रहे और हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। उनको मजदूरी की समस्या है, उनको मेहनताने की रकम की समस्या है, और वो बहुत सारे, मैं बड़ा, मुझे लगा कि यहाँ तो सब इनके समर्थक होंगे, लेकिन मेरे लिए वो आश्चर्य की बात थी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ पे, दर्जनों के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए काम नहीं हुआ, बुनकरों के लिए। हो गया प्रश्न, या तो आप मुझे वो एरिया बता दीजिए ताकि मैं वहाँ चल सकूँ आपके साथ, या कोई और अगर वहाँ की लोकल वजह हो तो मैं वो आपको बता सकूँ। क्योंकि यहाँ पर नहीं, उनका कहना ये था कि मुख्तार अंसारी साहब जो है इधर बुनकरों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। देखिए, मुख्तार अंसारी साहब को मैं एक बात और निराली बता दूँ। मुख्तार अंसारी साहब, मैंने शुरू में शायद बताई, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, हमेशा मुखालिफ हवाओं में चुनाव जीते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्तार अंसारी साहब जीत के सदन में गए हों और वो सत्ता पक्ष के विधायक बने हों। जब भी रहे वो दूसरी पार्टी से रहे, विपक्ष में बैठे या निर्दल रहे या कौमी एकता दल, जब हमारी अपनी पार्टी थी तब। तो सरकार की जो चीज़ें हैं वो हम उपलब्ध कुछ हद तक सरकार की चीज़ों को नहीं मुहैया करा पाए। जैसे कि इस वक्त बुनकरों के लिए पासबुक का जो बहुत बड़ा मसला है, जो फ्लैट रेट की बिजली माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 72 रुपये किया था, उसको ख़त्म कर दिया गया सरकार में। अब ये बीजेपी सरकार ही सही कर सकती है, और बीजेपी सरकार ने ख़ास तौर पर ये किया है कि मऊ के बुनकर हैं, कहाँ मुबारकपुर है, मऊ है, बनारस में है, कुछ ख़ास तौर पे ये किया गया है, तीनों जगहों में। हाँ, और ख़ास तौर पे ये किया गया है कि बुनकरों, तीनों जगह इस तरह की समस्या सामने आ रही है कि पेट पर लात मारी जाए बुनकरों के। और आज तो अखिलेश भैया आए थे, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार गठबंधन की बन जाएगी तो बुनकरों को राहत पहुँचाने के लिए फ्लैट रेट की बिजली दोबारा लागू कराई जाएगी, यहाँ तक कि उनको अपनी साड़ी बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए बाजार भी लगवाई जाएगी। रही बात मेरे फादर की, तो मेरे फादर को अगर लोग इतना ही नाराज हैं तो वो कैसे 98,000 वोट पिछली बार पा गए और हर बार वो कैसे जीतते हैं। देखिए, हम 100% को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। चंद लोग ऐसे हैं जिनको कोई इख्तलाफ है, कोई मुखालफत करते हैं उनकी लोकल पार्टीज की भी वजह से, कोई कांग्रेस में है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में है, इस बार भी लड़ रहे हैं, पीस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं जो मुखालफत करते हैं जो। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि मुख्तार अंसारी का नाम प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, हम उनका नाम लेंगे तो हमारी भी राजनीति चमक जाएगी, एक ये भी फैक्टर है। तो चंद लोग ऐसे हैं जो उनसे खफा हैं, नाराज हैं। अगर आप संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या, ज़्यादातर लोग मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। अब
अब आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, वो आए आपके लिए रोड शो करके गए, नहीं मीटिंग मीटिंग करके मीटिंग आप भी थे उस मीटिंग में? जी बिल्कुल, मंच पे मौजूद था। तो आप उनसे कभी ऐसा नहीं होता कि अखिलेश जी हम आपके साथ डायरेक्ट आ जाएं, आप हमको बैकडोर से क्यों ला रहे हैं? नहीं है, बैकडोर की बात ही नहीं है, ये बात मसला ही गलत है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कभी भी मुख्तार अंसारी ने, आपके बड़े पापा समाजवादी पार्टी में है और चुनाव भी पहले लड़ा, लेकिन आपके पापा कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे। एक तरीके से एक दूरी बनाकर रखी गई या उनकी छवि की वजह से या जो भी मामले थे, तो क्या वो अभी भी वो दूरी रह गई है? अच्छा, मेरी जॉइंट फैमिली है। अच्छा, देखा भी होगा। हाँ बिल्कुल, यूसुफपुर मेरा जो घर है, सब साथ रहते हैं। बिल्कुल, जो मेरे सबसे बड़े बाबा हैं सबगतुल्ला अंसारी साहब, मेरे दादा के सबसे बड़े बेटे हैं, वो समाजवादी पार्टी में है, उनके बड़े बेटे और मेरे भाई वो भी सपा में है। तो जब घर के बड़े बुजुर्ग पार्टी में ज्वाइन है, चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो फिर हमारा सवाल क्या पैदा होता है? दूसरी बात, जहाँ तक बात है बैक डोर की और फ्रंट डोर की, तो हमने सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ओम प्रकाश राजभर जी 2 नवंबर 2021 को मेरे फादर से बांदा जेल में मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि मुख्तार जी आपने हमारा बहुत साथ दिया हमेशा बुरे वक्त में, आज आपका बुरा वक्त है, आज आपका कठिन समय है, आपको और अब्बास को उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा पे आप हाथ रखोगे अखिलेश जी का समर्थन दिलाकर आपको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, ये है पूरी बात। और इसके हटकर अगर कोई बात है तो मेरे ख्याल से वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। आपने अपने विरोधियों पर बहुत सारे आरोप लगाए, वो भी आप पे कई आरोप लगाते हैं, एक आरोप मौजूदा प्रत्याशी भी लगाते हैं, वो कहते हैं कि इस बार लड़ाई जो है सिर्फ जनता की नहीं है, पारिवारिक इंसाफ की है। अच्छा। उनके उन आरोप है कि उनके भाई की हत्या मुख्तार अंसारी के इशारे पर की गई, उनके आपके पिता पे जो आरोप लगे आपसे वो उन पे हिसाब लेना ठीक नहीं है। ठीक ठीक, लेकिन क्योंकि आप तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, आप बहुत छोटे थे जी, लेकिन इन तरह के आरोपों को आप सुनते हुए बड़े हुए, उनके प्रश्न और उन आपके प्रश्न और उनके इल्ज़ाम का जवाब दे देता हूँ। ये केस कोर्ट में चला, बिल्कुल, तो अपने भाई की हत्या की बात कर रहे हैं, आपको पता है क्या रिजल्ट आया? ये नहीं बताएंगे, वो वही बात है ना, फेक प्रोपेगेंडा। आप बताइए, अब देखिए बता रहा हूँ, थोड़ा एक कदम पहले जा रहा हूँ। बिल्कुल, पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी साहब बंद हैं, श्रीमती अलका राय जी लेटर लिख रही हैं प्रियंका गांधी जी को कि मेरे पति का हत्यारा आपके पंजाब की जेल में मौजूद है, उसको यहाँ भेजिए ताकि हमको इंसाफ मिल सके। पूरी झूठी बात, फेक प्रोपेगेंडा। कैसे? 3 जुलाई 2019 को जब पापा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट, जो सीबीआई की अदालत थी, उसने मेरे फादर को बरी कर दिया, फादर को ही नहीं जितने अक्यूज थे सबको बरी कर दिया। उसके बाद ये 2020 या 21 में इन्होंने लेटर लिखने चालू किए हैं, तो बरी होने के एक साल बाद झूठा प्रोपेगेंडा है कि नहीं, क्या इंसाफ वो दिला देंगी? और चूंकि वो आ गए, चलिए 9 महीने से है ना उत्तर प्रदेश में, क्या इंसाफ मिल गया? साजिश थी हत्या करने की, मारना था जान से, गोली मार दो, नहीं मार पा रहे हो जहर डाल दो, जहर भी नहीं दे पा रहे हो तो दाने दाने को तरसा दो, कह कर गए हैं। अभी आरोप जेल में आप मिलकर आए, उसके बाद भी आपने लगाया? जी बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं तब भी कह रहा था जिस दिन ट्रांसफर हो रहा था, मैं उस दिन भी मेरी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट तक में पिटीशन डाली, क्योंकि इस तरह के जिम्मेदार पदों पर भारतीय जनता पार्टी के बैठे लोग कह रहे थे। ये सुशील सिंह है, विजय सिंह के भतीजे, इन्होंने नहीं कहा कि इनको तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, ये तो नहीं आएगा विवादित बयान में, ये नहीं आएगा अभद्र भाषा में, ये नहीं आएगा बहुत ज़्यादा कोई हॉट टॉपिक है, इसको नहीं मीडिया चलाएगी। मैं वीडियो रखे हूँ, कहीं आपको भेज दूंगा, आप दिखा दीजिएगा। और अब्बास अंसारी 6 महीने ट्रांसफर रोक के जांच कराने की बात कर देंगे तो देखो देखो धमका रहा है, ये प्रोपेगेंडा। अशोक सिंह जी की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर मुकदमा नहीं है, वो बात कर रहे हैं मन्ना सिंह जी की हत्या की। मन्ना सिंह जी हम लोग छोटे थे, वो खुद आते थे घर, ठीक है टेंडर लेने, क्या आप बात कर रहे हैं, या वो क्या बात करेंगे, वो हमारे सामने थोड़ी कह सकते हैं। और उस केस में मेरे फादर बरी हुए हैं,
ये भी बता रहा हूँ आपको, पहले वाली भी बात बता दी अलका राय जी वाली, कृष्णानंद राय केस में मेरे फादर बरी हुए सारे अक्यूज, मन्ना सिंह मर्डर केस में मेरे फादर बरी हुए हैं, सब झूठा प्रोपेगेंडा, नाम लो ताकि हम भी बड़े हो जाएं, ये है कुल मिला के बात। अब बार बार योगी जी पे आरोप लगाते हैं जब भी जिक्र होता है, लोग कहते हैं कि बुलडोजर से परेशान है। कौन हम? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आपके यहाँ बुलडोजर आए? मेरे तो सारे घरों को तोड़ दिया गया। कितनी प्रॉपर्टी है? अब गिनती तो नहीं याद है, लेकिन अगर सरकार के आंकड़े के मुताबिक जाओ तो शायद 100 या 200 करोड़ की तो वही दिखाते हैं। अच्छा, अपने आंकड़ों में जो तोड़ दिया तबाह कर दिए, हमारे रुएं पे भी कोई फर्क नहीं है। देखिए सच बात बता रहा हूँ, एक एक रुएं पर भी कोई फर्क नहीं है। घर कारोबार सोना चांदी जमीन जायदाद हीरा जवाहरात, ये मुख्तार अंसारी की दौलत और पूंजी नहीं है। मुख्तार अंसारी की दौलत और पूंजी मऊ की अजीम आवाम है, मऊ के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इस हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो देश के अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं और रोज हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। ये है मुख्तार अंसारी की पूंजी और दौलत। ये घरों को चंद ईंटों को ढहाकर बुलडोजर चलाकर सोच रहे हैं कि हमारे हौसलों को तोड़ देंगे, हमें तबाह और बर्बाद कर देंगे। मेरी आखिरी मीटिंग थी, आज आप आए नहीं, आज से मीटिंग फिर बंद है मेरी कल से। अच्छा देखते आप, जन सैलाब उमड़ा था, लाखों के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं आपके बड़े भाई, तो क्या मान लें कि आने वाले दिनों में हम उमर अंसारी को भी चुनाव लड़ते देखेंगे? नहीं, पहली बात तो मेरी उम्र सियासत की इजाजत नहीं देती है। आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव तो फिलहाल की तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि नहीं है। दूसरी बात, मैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सुनता हूँ, अगर बड़े बुजुर्ग आदेश करेंगे लोग खिदमत के लिए हमें किसी पद की जरूरत नहीं है। जब भैया कभी विधायक नहीं थे, 10 साल से मुंह की खिदमत कर रहे हैं, मैं कभी न चेयरमैन प्रधान कुछ भी नहीं रहा हूँ, मेंबर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ खिदमत खल्क। और हमारे लिए खिदमत खल्क एक इबादत है, हमारे इस्लाम में कहा गया है कि लोगों की मदद करना, रोते हुए को हंसाना, उसका आंसू पोछना, उसके उसको हक इंसाफ दिलाना, ये हमारे लिए एक इबादत है और हम इबादत बहुत मज़े से करते हैं साहब, इसको हम सियासत से नहीं जोड़ते हैं। देखिए क़यादत और सियासत दो अलग चीज़ हैं, लीडर होना और नेता होना। लीडर हम हैं और हम रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। हम चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, एक चौराहे पर खड़े हो जाएंगे तो सैकड़ों लोग भीड़ लगाएंगे मिलने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए, और हम खुशी खुशी उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। और सियासत की जहाँ तक बात है, तो मेरे घर में ऑलमोस्ट सब राजनीति में हैं, अफजाल बाबा, सबगत बाबा, उनके बड़े बेटे शुएब अंसारी, मन्नू भाई, मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी साहब, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग। तो मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि, लेकिन रास्ते वही है, मंजिल वो ना। अच्छा, इसको बुरा भी क्यों लिया जाए? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, आपका बेटा पत्रकार बन सकता है, इंजीनियर का बेटा नहीं बन सकता है ना, मनाही तो नहीं है ना, मैं वो कह रहा हूँ बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? हम उसी माहौल में पले हैं बड़े हैं, जब भी हम बाहर निकलते थे फाटक में, जब पापा 2004 से 5 तक बाहर थे, मुझे याद है मुझे एक ही दफ़ा पापा ने डांटा था, कुछ लोग आए हुए थे मिलने के लिए पापा से, और पापा ने मुझसे कहा कि बेटा चाचा लोगों को पानी पिलाओ, और मैं अंदर गया, बच्चा था छोटा था, मैंने सर्वेंट से कह दिया, एक खड़े थे, कि भाई आप पानी पिला दो, वो ट्रे लेकर पानी देने चले गए, तो पापा ने मुझे डांटा कि आपसे मैंने कहा है आप खिदमत करिए, आपके ये चाचा हैं और सारे गरीब आवाम की हम खिदमत करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि राजनीति कोई ज़रूरी नहीं है, घर के बड़े हैं और जब वो हुक्म करेंगे तो गुरेज भी नहीं है, मैदान में उतरा जाएगा, ये तो फैसला जनता को करना है कि वो हमें, अगर हम उस काबिल होंगे तो हमें चुनेगी। अब्बास अंसारी साहब चुनाव मैदान में है, 7 को वोट पड़ना है, 10 को रिजल्ट आएगा, 10 के बाद में और आप मिलेंगे, देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं ये असल में खौफ है, डर है कि क्या मुंह दिखाएंगे। हमने तो कह दिया कि बर्बाद हो गए, मिट गए, ख़त्म हो गए, उसी पर चुनाव लड़ रहे, कह रहे हैं कि व्हील चेयर पर ले आए,
और लाखों वोटों से जनता जिताने का मन बना चुकी है। मैं मऊ की अजीम आवाम को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इस सरजमीन पर कभी सामंतवादी ताकतों को नहीं पनप के लिए। चलिए, ये थे उमर अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे। हर तरह का सवाल हुआ, मैं जब आ रहा था ना तो बड़ा माहौल बना के भाई जो है वो कठिन उठिन सवाल मत पूछना, नहीं तो वापस आ नहीं पाओगे। तो चला जाऊंगा ना मैं कहिए तो आपको अपनी गाड़ी में छोड़ के आऊं। मैं ड्राइविंग का बहुत शौकीन हूं। बहुत शुक्रिया, आप चलिए और आप प्लीज कुछ खाइए और थक जाइए। ठीक, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।